नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम 2008 का मार्केट क्रैश कैसे हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न थे, ये सब जानकारी लेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न थे, ये सब प्रेजेंट करने जा रहे हैं, मतलब हम बाय बुल ट्रेडर्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी बूम, उसको .com बूम भी बोला जाता था। लगभग 1996 में ये स्टार्ट हुआ था बूम, मतलब जिसमें टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोग, इन्वेस्टर सब इंटरेस्टेड थे, और वो लगभग 2000 तक चला था। तो उस समय टेक्नोलॉजी शेयर्स जो भी थे उसमें बहुत ही ज़्यादा गेन हुआ था, मतलब वो बहुत ही हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अचानक 2002 से 3 के बीच वो जो भी टेक्नोलॉजी शेयर्स ऊपर चले गए थे वो धीरे धीरे नीचे आने लगे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो चुका था। अब इन्वेस्टर को नया कौन सा तो सेक्टर चाहिए था अपना पैसा लगाने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बूम जो था वो अभी ब्लास्ट होने जा रहा था। तो इन्वेस्टर एक नया सेक्टर ढूंढ रहे थे, उनको तो रीज़न ही चाहिए था। तो चलिए अगले स्लाइड्स में बताता हूँ मैं आपको कि क्या हुआ। तो आपको तो पता है कि 2002 या 3 में जो US गवर्नमेंट थी वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेती थी, जो कि 1% था। मतलब आप कौन सा भी लोन उठा लो बैंक से, वो आपसे 1% लोन पे इंटरेस्ट था। तो US गवर्नमेंट जो थी, अमेरिका की गवर्नमेंट, वो लोगों को इनकरेज करने लगी कि आप घर खरीदने के लिए बैंक से लोन उठा लो, अपना खुद का घर बना लो, अपना खुद का घर हो सकता है। ये सारी चीज़ें देख के लोग बैंक से लोन उठाने लगे और वो लोन से घर खरीदने लगे। तो धीरे धीरे रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर बढ़ता गया, घरों के दाम बढ़ते गए, वैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर के जो भी शेयर्स थे वो ऊपर चले गए। तो इन्वेस्टर ने जो भी अपना पैसा था वो रियल एस्टेट सेक्टर में डालना स्टार्ट कर दिया और रियल एस्टेट के सारे शेयर्स ऊपर जाने लगे। तो जैसे ही रियल एस्टेट के शेयर्स ऊपर जाने लगे तो वहाँ पे एक मज़ेदार बात हुई। जैसे कि मैंने बताया, US गवर्नमेंट ने लोगों को घर खरीदने के लिए लोन लेने के लिए इनकरेज किया था। तो लोन के बारे में आगे क्या हुआ, मतलब वो जो लोन लिया था वो टिक पाया कि नहीं पाया, उन्होंने पैसा दिया कि नहीं दिया, ये अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगली स्लाइड जो हमारी है, इसका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट बैंक इन बैंक। बैंक तो सबको पता होती है, जैसे कि मैंने स्लाइड पे नीचे लिखा है, यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये बैंक तो हम सबको पता है। ठीक है, जैसे कि ये वाले बैंक HDFC, ICICI बैंक, ये हम सबको पता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होती है? इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, लेमन ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट बैंक, जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डन सैचे इन्वेस्टमेंट बैंक, मॉर्गन स्टैनली, कुछ गिने चुने नाम है। बहुत सारे बैंक हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब यही होता है जो कि कंपनी को लोगों से पैसा उठाने में मदद करती है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में बैंकों की या कंपनीज की मदद करती है। उसी तरह कोई भी बॉन्ड वगैरह रिलीज करना हो तो उन सब में जो बैंक मदद करती है उसको इन्वेस्टमेंट बैंक बोला जाता है, जो कि प्राइवेट बैंक होता है, जो बैंक और कंपनी और पीपल्स और कंपनी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करती है और जो भी मर्जर एक्वाइजेशन है उसको पूरा करती है, उसको इन्वेस्टमेंट बैंक बोला जाता है। तो मैंने बताया कि पिछली स्लाइड में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आने लगा था, लोग घर खरीद रहे थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट 1% के आसपास था, तो बहुत सारे लोग लोन लेके घर खरीद रहे थे। तो जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था यहाँ पे। ये 2004 या 5 की बात है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन, जिसको CDO बोला जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो थी उन्होंने बैंक से लोन उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो बैंक थी वो तो 1% लोन देती थी, 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लेती थी लोगों से जिसको लोन दिया जाता था। और बैंक हमेशा उन्हीं लोगों को लोन देती है जिनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा हो, जो लोन चुका सके, जिनका सब ठीक हो, उन्हीं को लोन देती है। ठीक है, उन्होंने अपना लोन दे चुका था ऑलरेडी, लोगों में बांट लिया था, लेकिन
ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक थी, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और भी लेमन ब्रदर्स, इन सब बैंकों ने क्या किया, बैंकों से लोन उठाना स्टार्ट किया और वो लोन जो उठाया उसको सीडीओज में कन्वर्ट कर दिया। सीडीओज मतलब क्या है, मैंने लिखा है ऊपर टॉपिक का नाम कोलेटरलाइज डेब्ट ऑब्लिगेशन। ओके, तो ये सीडीओज था, वो सीडीओज उन्होंने बनाया। तो सीडीओज किसको बेचना है, तो सीडीओज इन्वेस्टर को बेचना है। और इन्वेस्टर वो सीडीओज को कब खरीदेंगे, जबकि उनके ऊपर कोई अच्छा टैग मिल जाए, लिखा हो जाए, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब मैं आपको बता दूंगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास आते हैं वो उनको अच्छे से, उनकी अच्छे से छानबीन करे और उनको रेटिंग दे। लेकिन सीडीओज मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकों ने क्या किया, जो भी रेटिंग कंपनी थी उनको बहुत सारा पैसा खिला के, उनको बहुत सारे बोनस दिला के, अपने जो भी सीडीओज थे उनको ट्रिपल ए रेटिंग, ट्रिपल ए रेटिंग मतलब दोस्तों बहुत ही बढ़िया रेटिंग, जिसको जिसके पास वो रेटिंग होती है उसको मतलब जो भी लोन हो मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो ये गेम खेला इन्वेस्टमेंट बैंकों ने, इन्वेस्टमेंट बैंकों ने रेटिंग कंपनीज को अपना पैसा खिला के ट्रिपल ए रेटिंग ले ली और वो सीडीओज लेके उन्होंने इन्वेस्टर्स को बेच दिए, ठीक है। तो इन्वेस्टर ने सीडीओज के थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक में अपना पैसा लगाया, तो वो जो पैसा था उन्होंने ऑलरेडी किसको दिया था, जो कि हाउसिंग लोन लेने वाले थे, जो बंदे लोन लेके घर खरीदने वाले थे उनके पास वो पैसा चला गया। तो इन्वेस्टमेंट बैंक को अब लोन की ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि लोग और उत्तेजित हो रहे थे घर खरीदने के लिए। हर एक बंदे को, अमेरिका के बंदे को लगने लगा था कि मेरा भी एक घर हो जाए खुद का। तो हर एक मतलब हर एक जिसके पास लोन लेके चुकाने की मतलब कुछ सोर्स नहीं है, जिसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, वो भी बंदा मतलब बैंक से लोन उठा के घर खरीद रहा था। तो लोन इतना ज्यादा हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट बैंक को बैंक से और लोन मांगने की जरूरत पड़ गई। लेकिन बैंक ने पहले उनको बोल दिया था कि हमने जितना जरूरत है, जितना कि ईयरली हम ईयरली बेसिस पे लोन देते हैं, वो बांट चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर भी इन्वेस्टमेंट बैंक के चलते डिमांड के उन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों जो इनका रेशियो था, सिक्योरिटी रेशियो था, उसके ये क्रॉस हो चुका था, मतलब आगे निकल गया। तो ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा आपको। तो इसको मतलब अभी देखो, इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या किया, बैंक से लोन लिया और वो लोन सीडीओज में कन्वर्ट किया, सीडीओज को इन्वेस्टर को बेच दिया, रेटिंग कंपनी को पैसा खिला के ट्रिपल ए रेटिंग ले ली। तो वो सारा पैसा चला गया पब्लिक के पास, और पब्लिक क्या करना चाहती थी, घर खरीदना चाहती थी। तो अमेरिका के लोग पागलों जैसे घर खरीदने लगे थे, हर एक बंदा अपना अपना घर खरीद रहा था, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आ चुका था और रियल एस्टेट सेक्टर के सारे शेयर्स ऊपर जा चुके थे और इन्वेस्टर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। इन्वेस्टमेंट बैंक जो थी, जिन्होंने बैंक से लोन लिया था, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, और रेटिंग कंपनी जी थी जो ट्रिपल ए रेटिंग दे रही थी, उन्होंने भी पैसा खाया था, तो उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। लोगों को भी अच्छा लग रहा था कि कम मतलब कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, तो उसको लेके घर में खुद का घर हो रहा है, तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन बहुत सारे होशियार लोग वहाँ भी थे जिनको अंदाजा था कि, जैसे कि रघुराम राजन ने 2005 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसमें बताया था कि आगे जाके ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकों ने उनको टोका, उनको मतलब बताया कि ये ठीक नहीं बोल रहे, ऐसा वैसा हो चुका था। तो सब प्राइम लोन क्या होता है, सब प्राइम लोन मतलब लोन के दो डिवाइड मतलब जो दो टाइप होते हैं, एक लोन और एक सब प्राइम लोन। लोन तो उनको दिया जाता है जो वो बैंक को फिर से रिटर्न कर दे, लेकिन सब प्राइम लोन मतलब जो लोग लोन नहीं दे, लोन जो बैंक से लिया है उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उन अकाउंट्स को सब प्राइम लोन बोला जाता है। तो 2004 से मतलब जब से .com बूम खत्म हुआ था, वहीं से 2003 से लेके 2006 तक मतलब ये 2-3 साल में जो सब प्राइम लोन था वो बहुत बढ़ चुका था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक से बहुत बड़ा डिमांड कर रही थी पैसे के लिए और वो सारा पैसा लोगों में बांट रही थी घर खरीदने के लिए। तो ये एक बबल बन चुका था लोन का, आप बबल को तो जानते हो, तो एक बबल जैसे कि सोप का बबल होता है, वैसे लोन का बहुत बड़ा बबल बन चुका था। और जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, $170 बिलियन का लोन स्प्रेड कर चुकी थी एक बैंक, जिसका मतलब एक कंपनी थी, अमेरिक्विस्ट मॉर्गेज कंपनी। लगभग उन्होंने $170 बिलियन का लोन लोगों में बांट दिया था। तो आप समझ सकते हो, इसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हो कितना हो सकता है इंडियन करेंसी में। तो उतना पैसा उन्होंने तब तक बांट दिया था लोगों में। तो ये ऐसा हो चुका था कि अब बैंक के पास इन्वेस्टमेंट बैंक को देने के लिए कुछ पैसा नहीं था, और जो भी था वो सब पब्लिक में जा चुका था, और पब्लिक ने वो सब पैसा क्या किया था, होम लोन में मतलब उससे घर खरीदे थे। तो हुआ ऐसा
कि जो AIG थे, मतलब AIG है अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने क्या किया, जो CDOs इन्वेस्टमेंट बैंक ने बनाए थे, कोलेटरल ऑब्जेक्शन जो मतलब बनाए थे इन्वेस्टर्स को देने के लिए CDOs, उसके ऊपर इंश्योरेंस देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो AIG ने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉयज थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब बोनस देना स्टार्ट कर दिया कि आप उन CDOs को लेके आ जाइए, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कीजिए, तो जो भी बंदा, जो भी एम्प्लॉई CDOs को लेके आएगा इंश्योरेंस की कंपनी में, उनको इंश्योरेंस निकालेगा, उसको बोनस मिलेगा। तो इंश्योरेंस क्या होता है आपको तो पता है, मान लीजिए कि आपकी कोई कार है तो सालाना उसका कुछ मतलब इंश्योरेंस होता है, तो उसका प्रीमियम देना पड़ता है आपको। मान लेते कि XYZ बंदे के पास स्विफ्ट डिजायर है, तो साल का उसका कुछ प्रीमियम जाता है 2000। तो जब तक इंश्योरेंस है तब तक आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अभी इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस पीरियड जब तक है उसमें अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको उसका रीपे मिल जाता है, पैसा मिल जाता है रिटर्न। तो AIG मतलब अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप को ऐसा ही लगा कि ये जो सब चल रहा है सब ठीक चल रहा है, और ये CDOs है उनको तो AAA रेटिंग मिल चुकी है, लेकिन उनको ये पता नहीं था जो AAA रेटिंग मिल चुकी है वो उन्होंने दी है कि इन्वेस्टमेंट बैंक ने पैसा खिला के AAA रेटिंग, मतलब वो रॉन्ग रेटिंग थी, तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये CDOs आगे जाके कोलैप्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने CDOs खरीदे थे, जिन्होंने मतलब इन्वेस्टर ने जो CDOs खरीदे थे, उनको पता था कि ये कभी ना कभी आगे जाके कोलैप्स होने वाली है, तो उनको एक सिक्योर रीजन चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर दिया। और AIG को लगा कि हम पैसा कमा लेंगे क्योंकि CDOs कभी कोलैटरल नहीं होंगे, तो इन्वेस्टर को दोनों तरफ से पैसा मिलने वाला था, तो उन्होंने उसके ऊपर इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर दिया। तो AIG ने भी उन्होंने भारी मात्रा में इंश्योरेंस देना स्टार्ट कर दिया। तो उसके आगे क्या हुआ कि बबल ब्लास्ट कैसे हुआ, बैंक और बोरोस के बीच में क्या हुआ, तो जो AIG ने इंश्योरेंस दिया था CDOs के ऊपर, आगे जाके क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि बैंक के पास इन्वेस्टमेंट बैंक को देने के लिए कुछ भी पैसा बचा नहीं था, और ऐसे भी लोग थे कि जो धीरे धीरे क्या कर रहे थे कि जो भी उनकी EMIs थी वो डिफॉल्ट करने लगे, क्योंकि बैंक ने, मैंने पहले बता दिया, सब प्राइम लोन उनको लोन दिया था कि जिनके पास कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं है, जो EMIs पे नहीं कर सकते, उनको भी बैंक ने लोन दिया था। तो क्या हुआ, वो लोग EMI डिफॉल्ट करने लगे, जैसे जैसे वो लोग EMI डिफॉल्ट करने लगे तो बैंक क्या करने लगी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने लगी, मतलब उनकी प्रॉपर्टी लेने लगी। तो बैंक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी जमा हो गई, और जो बोरोवर्स थे, बोरोवर्स उनको बोला जाता है जो बैंक को लोन रिटर्न नहीं करते, तो बैंक एंड बोरोवर्स मतलब बोरोवर्स की संख्या बढ़ती गई, और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई तो बैंक उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने लगा, मतलब जो होम्स उन्होंने लिए थे वो उन्होंने पूरे अपने हिस्से में ले लिए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बैंक के पास जितनी भी प्रॉपर्टी गिरवी मतलब उन्होंने ली थी पब्लिक से, जो लोन नहीं चुका पा रहे थे उनसे ली थी, वो खरीदने के लिए कोई बंदा नहीं था, क्योंकि उनके पास इतने सारे घर हो चुके थे कि उसकी तादाद बहुत ही बढ़ गई। तो एक फियर मार्केट में आ गया कि भाई अभी तो सब गिरने वाला है, अभी मतलब रियल एस्टेट में कुछ बचा नहीं है। तो धीरे धीरे वो जो घर थे, मतलब मान लो कि XYZ पर्सन ने कुछ कोई घर 50 लाख में खरीदा है, लेकिन बाद में बैंक ने वो उनसे जब्त किया और उसकी प्राइस अभी 35 लाख में अनाउंस की जा रही है, तो उसको बोला जाता है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, सब मतलब उसका ऑक्शंस लगाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, 35 लाख रुपीज में बेचना स्टार्ट किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसने 50 लाख का खरीदा था वो 35 लाख में बेच रही बैंक। तो जिन्होंने लोन लिया था उनको लगा कि भाई हमने तो 50 लाख में लिया है, अभी बैंक 35 लाख रुपीज में दे रही है, तो हम क्यों उसका लोन चुकाएं। तो ये फियर लोगों के मन में बढ़ता गया और लोग लोन का रीपेमेंट EMI देना बंद कर दिया लोगों ने। तो जैसे जैसे ये तादाद बढ़ती गई, कोई भी लोन नहीं चुकाना चाहता था, सबको लग रहा था कि हमने मतलब बड़े मतलब अच्छे प्राइस पे खरीदा है और उसका प्राइस अब नीचे जा चुका है, तो हम क्यों लोन का रीपे करें। तो ऐसे होते होते क्या हुआ, बैंक करप्ट होने लगी। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक करप्ट होने लगी तो इन्वेस्टर्स को उसका नुकसान होने लगा, रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर्स नीचे आने लगे, लोग लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे थे। तो जो CDOs थे इन्वेस्टर के पास, उन्होंने उसके ऊपर इंश्योरेंस लिया था। इंश्योरेंस किससे लिया था, AIG से लिया था। AIG मतलब अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन्वेस्टर को कोई चिंता करने की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर इंश्योरेंस लिया था। जैसे जैसे इंश्योरेंस मतलब कोलैप्स होते गए, जैसे कोलैप्स होते गए तो उनको पैसा मिलता गया, तो AIG को लगभग $99 बिलियन का लॉस हुआ।
तो जैसे ही उनको इतना बड़ा लॉस हुआ तो अमेरिका की गवर्नमेंट के ध्यान में ये बात आ चुकी थी कि ये मतलब बैंक करप्सी है और ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, लिक्विडिटी लाने के लिए मार्केट में 87 बिलियन डॉलर्स हेज में डाल दिए। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला था दोस्तों, क्योंकि लोन बहुत ही भारी मात्रा में बांट दिए गए थे, तो ये बबल तो ब्लास्ट होने वाला था। तो अभी का स्लाइड्स का मतलब ग्लोबल रिसेशन कैसे हुआ, शुरू से बात करना चाहो तो मैंने बताया पहले मतलब .com बूम आया, उसके बाद इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिल रहा था, वो नीचे जा रहा था, तो उन्होंने रियल सेक्टर ढूंढा। उस समय 1% चल रहा था इंटरेस्ट रेट, तो बहुत सारे लोगों को यूएस में गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कि लोन लेके घर ले लो, बहुत सारे लोगों ने लोन लेके घर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उनको लोन दिया गया था जिसको सब प्राइम बोले जाते हैं, सब प्राइम लोन, वो तो लोन चुका नहीं पाए। उसके बाद बैंक के पास कुछ पैसा बचा नहीं था, इन्वेस्टर ने AIG के पास से इंश्योरेंस लिया था, तो इन्वेस्टर को पैसा मिल गया, लेकिन उनको बहुत भारी मात्रा में AIG को नुकसान हुआ, लगभग 90 बिलियन डॉलर्स के आसपास। लेकिन US गवर्नमेंट ने उनको पैसा देके थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि लोन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुका था। तो इसका इम्पैक्ट आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला था। तो दोस्तों क्या हुआ कि एडजस्टेबल लोन होता है, होम लोन का जो पीरियड होता है ये 10 साल से 20 साल के बीच में होता है। अगर आप कोई होम लोन लेते हो तो 10 से 20 साल का अवधि मिलता है आपको उसको रीपे करने के लिए। तो वो जो अवधि था, जब भी बैंक के पास मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी जब्त थी और उसकी प्राइस नीचे जा चुकी थी, तो कोई लोन रीपे नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में एक फियर बढ़ गया कि अब रियल एस्टेट सेक्टर खत्म हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है, उसकी कुछ सिक्योरिटी नहीं है, तो लोग उसमें बहुत सारे शेयर्स बेच के निकल रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो इकोनॉमी थी अमेरिका की, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, उसको थोड़ा सा धक्का लगने के स्टार्ट हो चुका था। मतलब उसमें थोड़ा सा इनलिक्विडिटी फील होने लगा, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को इनलिक्विडिटी महसूस होने लगे, उन्होंने भारी मात्रा में अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो जब भी क्या होता है, जब बड़ी इकोनॉमी क्रैश होने लगती है तो उसकी इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी, मतलब मान लेते हैं कि किसी घर में अगर इनकम सोर्स स्टॉप हो जाता है तो उस घर में खाने पीने के साथ साथ बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आना स्टार्ट होता है। वैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी US इकोनॉमी, तो उसमें जैसे ही रिसेशन आने लगा तो इसका इम्पैक्ट इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी जो थी, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, उस पे उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। तो एक ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हुआ, और 2008 में जो हमारे यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ उसकी वजह वही था। तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो चुका था, इंडिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, सब जगह पे हुआ। तो यही सब होने के कारण कि लोग लोन ना चुका पाए, और यही सब होने के कारण इन्वेस्टर को तो पैसा मिल गया लेकिन बैंक करप्ट हो गई, सभी जगह पे रिसेशन स्टार्ट हो गया, इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 70% बर्खास्त हो चुका था, मतलब ऊपर से नीचे तक आ चुका था। ये सब चलता गया एक दो साल, उसके बाद जाके ये सब चीज़ें ठीक हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि ये 2008 का जो मार्केट क्रैश हुआ था दोस्तों, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो जब भी आपको लगे कि अभी मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, तभी आपको कुछ समझ में चीज़ें आनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अगर उसके पीछे कोई जेन्यून या वैलिड रीज़न है तभी आप उसमें पैसा लगाइए, क्योंकि 2008 का मार्केट जैसे क्रैश हुआ था वही रीज़न चाहिए था ये 2020 के जैन या फेब में इन्वेस्टर को कि वो अपना शेयर्स बेच के निकल चुके। लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ, उनको एक स्ट्रांग रीज़न मिल गया। कोरोना वायरस नहीं भी आता फिर भी ये होने वाला था, क्योंकि दोस्तों बहुत समय से मार्केट में रिसेशन नहीं आया था, कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं आया था। तो एक रीज़न मिल गया प्रॉफिट बुकिंग का। तो कोरोना वायरस पैनडेमिक के कारण जो भी डाउनफॉल हुआ और उसके बाद रिसेशन कब खत्म हुआ, इसके बारे में अगला वीडियो में बना के आपके लिए दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।